नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, एक मेरे पास एक नया ये हैंड आया हुआ है विश्लेषण के लिए। तो चलिए, इनका जो हाथ आप लोग देख रहे हैं, हाथ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। जो हाथ की जो हथेली है वो काफ़ी बड़ी है, और इस तरीके की हथेली बहुत कम और रेयर लोगों की हथेली देखने को मिलती है। कम से कम 6% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस तरीके से हथेली देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। इनके बारे में सब कुछ पहले मैं बता देती हूँ, और बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो लोग चैनल पर नया, चैनल को आप लोग पहले सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। अगर आप भी इसी तरीके से हैंड का अगर वीडियो चाहते हैं कि इसी तरीके से हैंड की वीडियो आपको व्हाट्सअप पर बना करके आपको प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी, इसके लिए आपको दोनों हाथों का फोटो खींच करके आपको भेजना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट फ़ीस आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट फ़ीस हैंड एनालिसिस की जो वीडियो चार्जेस फीस है वो 1500 रुपये है। ठीक है, तो 1500 रुपये आप लोगों को गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट में आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है 9120101561, ये अपॉइंटमेंट नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं इस हथेली के बारे में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये अभी जॉब के लिए तलाश रहे हैं कि जॉब इनकी कब तक लगेगी, और इनकी जो उम्र है, अभी इनकी उम्र जो है 21 साल के हैं ये। ठीक है, 21 वर्ष के हैं, ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कब तक होगी। ठीक है, और ये इनकी शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ये भी जानना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके कैरियर कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा लाइफ में, ये भी ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इनकी हथेली विश्लेषण करते हैं। पहले सबसे इनकी मैं हथेली देख लेती हूँ कि इनकी उंगलियों का जिस तरीके से मैं साइज़ देख रही हूँ, उंगलियाँ इनकी काफ़ी छोटी हैं और ठिगनी उंगलियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर उंगलियों का जो आकार है, उंगलियाँ बहुत ज़्यादा ठिगनी हैं। ठीक है, ठिकनी का मतलब होता है कि छोटी आकार की गठी हुई उंगलियाँ। ठीक है, और यहाँ पे अंगूठा भी देख सकते हैं, अंगूठा जातक का किस तरीके से है, बिल्कुल गोलाई नुमा इनका अंगूठा है। ठीक है, ऐसे जातक जो है खर्चा कम करते हैं, कंजूस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पैसा जहाँ कहीं भी खर्च करेंगे सोच समझ के खर्च करेंगे, और पैसा एक बार खर्च करने में 10 बार सोचते हैं कि मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ सही जगह खर्च कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत पर एक तिल भी दिखाई दे रहा है, जो तिल यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। अधिक से ज़्यादा शुक्र पर्वत पर अगर तिल होता है तो कोई ना कोई फीमेल से लांछन वगैरह का जो है अपमान वगैरह, अपलोक वगैरह जैसे होता है ना, अपमानित होना, छेड़छाड़ का केस लग जाना लड़कियों से। ठीक है, या पड़ोस में ही रह रहे हैं तो किसी फीमेल ने लगा दिया, तो लड़कियों से ऐसे जातकों को बच के रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं जिस भी जातक की ऐसे ऐसे इस प्रकार से अगर छोटी उंगलियां हैं। ठीक है, ऐसे जातक आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा कुछ करने की तो इच्छा रखते हैं। ठीक है, बट लेकिन अपने बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं पूरी लाइफ में बहुत सोचते हैं कि अरे इतना खर्च कर दूंगा तो फिर कैसे होगा, आगे का क्या होगा, तो आगे के फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके जो है हथेली की, हथेली का जो आकार है। ठीक है, हथेली के आकार में यहाँ पर हथेली इनकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, और इतनी बड़ी हथेली को देखना, लंबाई में भी चौड़ाई में भी, ये लंबाई हो गई इनकी और चौड़ाई में देखा जाए दोनों तरफ से इनकी हथेली काफ़ी ज़्यादा चौड़ी में है। ठीक है, ऐसे जातक जो है संघर्ष कम करते हैं, बट लेकिन अगर बैठे बैठे इनके पास अगर पैसा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे जातक जो है चाहते हैं कि मेरी बीवी कमाने वाली हो। ठीक है, या इनके अगर फादर हैं तो फादर का बैठे बैठे कुछ लोग खाते हैं ना, कुछ लोगों की किस्मत ही होती है कि बैठे बैठे फादर की प्रॉपर्टी मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए, तो ऐसे जातक ऊपर से ही अपनी किस्मत लिखवा करके आए होते हैं। ठीक है, ये बात है। तो ऐसे जातक का हथेली अगर किसी भी, अगर आप लोग यहाँ पर तो फ्री में आप लोग हथेली देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हथेली देखना सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हथेली देखने को मिल रही तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ऐसा जातक आने वाले टाइम पे फ्री में अपनी विरासत मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ 85% चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के जो है आफ्टर मैरिज के बाद में भी विरासत मिल सकती है ऐसे जातकों को। ठीक है, और अपने पिता की भी संपत्ति मिल सकती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इनके बुध पर्वत की, बुध पर्वत का एरिया इनका कैसा है। बुध पर्वत का जिस तरीके से मैं इनका एरिया देख रही हूँ, बुध पर्वत इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है। ठीक है, बट लेकिन बुध पर्वत में जिस तरीके से यहाँ पे जो विवाह रेखा है वो नीचे की तरफ जा रही है, इन्होंने एक दूसरी पिक भी, दूसरे भी फोटो भेजी है, तो मैं उसमें भी देखूंगी बारीकी से किस तरीके से है।
ठीक है, लेकिन इनका जो विवाह होगा, विवाह की जिस तरीके से लाइन में देख पा रही हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में है विवाह, लेकिन इनका जो है अप्रॉक्स 24 के करीब इनका जो है शादी होने का संपूर्ण योग बन रहा है, जो कि इनकी हथेली से साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। चलिए दूसरी फोटो में चल, यहाँ पर विवाह का स्थान मैं देख लेती हूँ। विवाह रेखा यहाँ पर जो है एक तो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मोटाई पर है, और विवाह रेखा दो भागों पर बट रही है, ठीक है, दो भागों में बट रही है यहाँ पर विवाह रेखा। मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये विवाह रेखा इस तरीके से दो भागों में बट रही है। आफ्टर मैरिज होने के बाद में रिलेशन को आगे तक का लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए जातक को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ सकता है आफ्टर मैरिज के बाद में। मैरिज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा झंझट रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे आए दिन, और दो रेखा अगर दो शाखा में अगर बट जाती है विवाह रेखा तो शुभ नहीं मानी जाती है। आफ्टर ये रेखा डाइवोर्स तक भी ले जाती है, तलाक भी दिलवा देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं ऐसा बारीकी से ऐसा क्यों बना हुआ है इनकी हथेली में, दो रेखा ऐसे क्यों बट रही, वाई की आकृति में क्यों जा रही इनकी विवाह रेखा। लेकिन इनकी जो विवाह है इनका अरेंज मैरिज ही होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, लव मैरिज होने का कम चांसेस है। आगे चलते हथेली में सूर्य पर्वत देख लेते हैं। यहाँ पे सूर्य पर्वत का जिस तरीके से एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सूर्य पर्वत में दो तीन रेखाएं हैं जो कि निकल रही हैं, ठीक है। आगे चल कर के ये नेम फेम में पा सकते हैं, क्योंकि इनकी हथेली पर एक यहाँ पे ये जो एरिया यहाँ पे साफ़ सुथरा ऐसे चक्र टाइप का ये जो दिख रहा है, ये बहुत कम लोगों की हथेली में देखने को मिलता है। लेकिन आफ्टर इसका जो इनको फल जो मिलेगा यहाँ पर जो बन रहा है, आफ्टर 35 के बाद इनकी लाइफ में इस चीज़ का फल इनको मिलेगा। ऐसा मैंने बताया ना पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति इनकी हथेली पर पूर्ण रूप से है। ये कुछ काम करे चाहे ना करे, लेकिन सरकारी जॉब का तो योग नहीं दिख रहा है, लेकिन पैतृक संपत्ति का योग जरूर दिख रहा है इनकी हथेली पर साफ़ सुथरा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे शनि माउंट की। शनि माउंट यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ पोजीशन पर है, अच्छी पोजीशन पर नहीं है इनका शनि माउंट, ठीक है। और शनि माउंट से ही एक लक लाइन भी इनकी निकल रही है, शनि माउंट से ही इनकी लक लाइन निकली है जो कि बहुत नीचे तक जा रही, चंद्र पर्वत से निकल करके सीधे चंद्र पर्वत से निकल करके शनि माउंट तक जा रही है, ठीक है। तो लक लाइन में इनको जो भी है, ठीक है, आने वाले टाइम पे इनको माँ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ऐसे जातकों को अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। और माँ के बच्चा काफ़ी ज़्यादा दुलारा भी रहता है, ठीक है, माँ अपने बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसे जातक अपनी बीवी से कुछ बातें छुपाने वाले भी होते हैं, ठीक है। अगर भाग्य रेखा लक लाइन अगर शनि पर्वत तक का जाती है और चंद्र पर्वत से निकलती साफ़ सुथरी निकल रही है जिपकी, ठीक है, ऐसे जातक अपनी बीवी से काफ़ी सारी बातें छुपाते भी हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बृहस्पति माउंट की। यहाँ पर बृहस्पति माउंट में देख रही हूँ काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के भी हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो है जो एक शो ऑफ करना होता है ना कि माला पहनना, कंठी माला पहनना, तो ऐसे जातक ये सब करने से बचते हैं, ठीक है। दूसरी बात इनकी हथेली पर यहाँ पर ये जो हार्ट लाइन है काफ़ी मोटी है, और सीधे हार्ट लाइन थोड़ी सी निकल करके बृहस्पति पर्वत पर भी जा रही है, ठीक है। ऐसे जातक गुप्त विद्या के भी काफ़ी ज़्यादा धनी रहते हैं, ऐसे जातकों को समय समय पर काफ़ी सारा अनुभव होता रहता है और ज्ञान की प्राप्ति भी होती रहती है ऐसे जातकों को, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इनके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। दूसरी बात इनकी हथेली पर यहाँ पर शुक्र पर्वत में अप्रोक्स इनकी जब शादी होगी, शादी के आफ्टर एक साल बाद काफ़ी ज़्यादा तनाव होगा। मैंने बताया कि तलाक के भी योग बन रहे हैं। ये जो इतनी लंबी ये जो रेखा निकल रही है, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये इतनी लंबी जो डार्क मोटी रेखा देखने को मिल रही है जो कि लाइफ लाइन को काट करके सीधे और माइंड लाइन को भी काट रही है, ठीक है। तो ये रेखा शुभ नहीं है, और ऊपर से उसी टाइम पीरियड पर एक यहाँ पर दिख रहा है, एक तिल भी दिख रहा है जो मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था हथेली पर, स्टार्टिंग के टाइम पर ही मैंने देख लिया था, ठीक है। तो किसी फीमेल अदर फीमेल पार्टनर से आफ्टर मैरिज के बाद में भी किसी इस जातक के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी इनका जो है डाइवोर्स होगा, ठीक है। बट लेकिन हथेली पर अभी वो प्रॉपर चिन्ह अभी बने हुए नहीं हैं, बने होते तो मैं दिखा देती, लेकिन अभी जो आगे का फ्यूचर इनका होने वाला है,
ठीक है, फ्यूचर तो पहले से ही फिक्स होता है, विधाता ने पहले से ही फिक्स कर रखा है हर एक इंसान का। जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही बच्चे का जन्म और मृत्यु ब्रह्मा जी पहले ही लिख देते हैं। बच्चे के जन्म होने से पहले ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे का जन्म और मृत्यु क्या होगा उसके जीवन में, खाने पीने का जब इंतजाम ब्रह्मा जी पहले कर देते हैं, माँ के स्तन में दूध ला देते हैं, उसी तरीके से बच्चे का फ्यूचर भी पहले से ही फिक्स हो जाता है मृत्यु तक का, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो यही बात है यहाँ पर जो मैंने बारीकी से बिल्कुल नोटिस कर ली, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन में अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ये संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात ये है काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएँ भी इनकी हथेली पर देखने को मिल रही हैं, ये एक चिन्ह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी रेखाएँ यहाँ पर माइंड लाइन को भी काट रही हैं। काफ़ी लाइफ में इन्होंने काफ़ी धोखे खाए हैं स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पर, गलत संगति में भी रहे हैं, ठीक है। ये जो चिन्ह यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये चिन्ह जो देखने को मिल रहा है काफ़ी गलत संगति में भी ये रहे हैं। यहाँ से भी एक चिन्ह यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहा है, गलत संगति में रहे हैं, नशा वगैरह भी करते होंगे, ये ड्रिंक वगैरह भी करते होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन जिस तरीके से इनकी जा रही है, नीचे की तरफ से जा रही है, झुकाव लिए हुए है इनकी माइंड लाइन। काफ़ी ज़्यादा ये परेशान परेशान से रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ऐसे जातक, ठीक है। बट लेकिन आगे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, इसलिए फ्यूचर की काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा आगे लाइफ में, क्या होगा, मैं सक्सेस रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ठीक है। तो सक्सेस तो ये रहने वाले हैं, अभी तक इन्होंने जो ख़राब टाइम इन्होंने स्पेंड किया, लेकिन अगर आफ्टर मैरिज के बाद में अगर आप अपने रिलेशन अच्छे रखेंगे तो आपको कभी भी पीछे मुड़ कर के देखना नहीं पड़ेगा, आगे ग्रोथ ही करते जाएंगे, मैं यही आपको सलाह दूंगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरीके से मैं हथेली पर यहाँ पे लाइफलाइन में देख रही हूँ, यहाँ पे लाइफलाइन में एक ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और ये ट्रायंगल जिसके भी हथेली पर होता है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहते, बहुत ज़्यादा लकी रहते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना पिता की पैतृक संपत्ति इनको मिलने के पूरे पूरे योग हैं इनकी हथेली पे। यहाँ पर भी चिन्ह देखने को मिल रहा था जो कि इस तरीके से ये यहाँ पर जा रहा है। दूसरी बात, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल का जो एरिया मैं देख रही हूँ, ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिलने वाला है लाइफ में ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं, और दो नंबर का पैसा भी जातक को मिल सकता है, लेकिन जातक को जो है जॉब करने की आवश्यकता नहीं। अगर जॉब के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो जॉब के पीछे मत भागिए, बिज़नेस आप ज़रूर अपना डाल सकते हैं, अगर बिज़नेस स्टार्ट करने का अगर आप सोचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बिज़नेस आप ज़रूर स्टार्ट करिए। कपड़े से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन ई कॉमर्स से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, गैस की एजेंसी वगैरह भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी और सफलता मिलेगी। आगे चलते हैं, जातक की हथेली में जो एम का आकार है, यहाँ पे जो एम पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए, वो एम पॉइंट इस तरीके से जो मनी ट्रायंगल होता है वो इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ठीक है, जो कि साफ़ सुथरा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आगे चल कर के अप्रोक्स मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अप्रोक्स ही ये आफ्टर 50 के बाद में लाइफ में ग्रोथ भी करेंगे, और आगे चल कर के कुछ समाज के लिए भी ऐसी भावनाएं इनके माइंड में क्रिएट होंगी, उस टाइम पे इनकी सोच भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी, क्योंकि ये ज्ञानी काफ़ी ज़्यादा हैं, गुप्त ज्ञान इनके पास भरपूर कूट कूट के भरा हुआ है, और उम्र के साथ इनका गुप्त ज्ञान जो है वो इनक्रीज भी होता जाएगा, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर जो इनका वीक प्लैनेट है, ठीक है, वीक प्लैनेट की बात कर ले तो यहाँ केतु का स्थान यहाँ पर हथेली पर क्लियर नहीं है, केतु महाराज का यहाँ पर हथेली में जो स्थान है वो इनकी हथेली पर क्लियर नहीं है, जो कि यहाँ पर केतु महाराज के स्थान पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं काट रही हैं नीचे की तरफ। ये रेखा इस तरीके से अगर निकलती हैं किसी भी जातक की हथेली पर, तो ऐसे जातक जितना पैसा कमाते हैं उतना ज़्यादा खर्च भी हो जाता है, और ऐसे जातक कंजूस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, फंस कहाँ से जाते हैं, LIC हो गया, ठीक है,
LIC हो गया उसमें स्कीम में लगा देंगे, ठीक है, एक्सीडेंटल बीमा हो गया उसमें निकाल देंगे, लगा देंगे, ठीक है, सोचेंगे कि वहाँ से मेरे को रिफ़ंड मिलेगा, फ़ायदा होगा, म्यूचुअल फ़ंड है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए इन सब स्कीम में, बट लेकिन इनके प्लैनेट इनको जो है इनके पैसे डुबो देंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा ये कंजूसी पना दिखाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा इनका पैसा चला जाता है, अपमात भी खा जाते हैं, ठीक है, ये बात है। केतु महाराज के लिए ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता दूंगी, आप वैसे वैसे अगर रेमेडी करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, अगर मैरिटल स्टेटस आपका अच्छा रहा मैरिज का, तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ मैं जिस तरीके से आपकी हथेली पर देख पा रही हूँ, साफ़ सुथरा आपकी हथेली पर एक ये भी चिन्ह यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है, वर्ग प्रॉपर्टी तो आपके पास खूब रहेगी, प्रॉपर्टी की आगे चल करके पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, बट लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको कायदे से चलना पड़ेगा, अगर आप बीवी के अंडर पे, अगर आपकी बीवी जो बोलती है अगर वो आप मानेंगे कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और अप्रॉक्स 33 के बाद में लाइफ में ग्रोथ होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने समुद्रिक सास के अनुसार वीडियो तो आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से देख लिया, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, फ्री में आपने हथेली देखना भी सीख लिया इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर समुद्रिक सास के अनुसार आप लोग दक्षिणा देना मत भूलिएगा, दक्षिणा देना आवश्यक होता है, नहीं तो कर्जा वगैरह चढ़ जाता है, ठीक है, तो जहाँ पर भी आप गुरु से कुछ शिक्षा लेते हैं तो दक्षिणा देना आवश्यक होता है। आप 21 रुपये से लेकर के जितने भी आपकी श्रद्धा है उतना रुपये आप लोग पेटीएम कर सकते हैं या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं, ये जो पैसा रहता है वो चैरिटी पर जाता है, ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अवश्य करेंगे कुछ ना कुछ दक्षिणा वगैरह अवश्य देंगे, ठीक है, नमस्कार, राधे राधे। अधिक जानकारी के लिए अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नमस्कार, राधे।